नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कंचन मोकाशी। रेसिपी प्लानर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे सूजी के लड्डू, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पतीला रखा है गैस पे, और अभी इसमें मैं घी डाल रही हूँ। ये 50 ml घी है, घर का बना हुआ घी है, देसी घी। अभी घी हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसमें डालेंगे हम ये सूजी। ये आधा किलो सूजी है, आप कोई भी सूजी ले सकते हो। अभी हम इसको अच्छे से भूनेंगे, आप घी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, बीच में रुकना नहीं बिल्कुल, नहीं तो फिर नीचे से जल जाएगा। इसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूनिए। अगर अकेले चलाते चलाते हाथ दर्द होता है तो घर में किसी की हेल्प ले लीजिए, क्योंकि इसका मेन यही है कि सूजी अच्छे से भूननी चाहिए। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। इसको भूनते समय ये ध्यान रखना है कि इसको हमें ब्राउन या रेड नहीं होने देना है। अब देखिए हमारी सूजी भून चुकी है। लगातार चलाते हुए इसको मुझे भूनने में 7 मिनट लग गए। आप यहाँ देख सकते हैं सूजी का जो पहले कलर था वो सफ़ेद था, और अभी थोड़ा सा क्रीम टाइप हो गया। तो ऐसा जब कलर हो जाता है तो समझ लेना कि सूजी आपकी भून चुकी है। सूजी भून जाने के बाद भुनी सूजी की खुशबू भी आना शुरू हो जाती है। तो अभी इस समय हम इसको गैस को ऑफ करेंगे और इसको साइड में निकालेंगे। अभी हमने सूजी को अलग प्लेट में निकाल दिया है, और अभी उसी बर्तन को फिर से हमने गैस पे रखा है। अभी इसमें हम डालेंगे ये ड्राई कोकोनट पाउडर, ये 50 ग्राम है। आप चाहे तो कोकोनट को कद्दूकस करके भी ले सकते हो, या ये रेडीमेड मार्केट में मिलता है वो वाला भी ले सकते हो। अभी इसमें हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, हमें ज़्यादा नहीं भूनना, बिल्कुल थोड़ा सा भूनना है। सूजी के लड्डू में कोकोनट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हो, और चाहे तो आप और थोड़ा कोकोनट का पाउडर इसमें बढ़ा भी सकते हो। अब ये हमारा हल्का सा भून गया है। ये मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चीनी ली है, अब ये इसके अंदर मैं डालूँगी। और अभी हम इसमें डालेंगे, इसमें अभी हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। ये 1 ग्लास पानी था। हम चाशनी वाले लड्डू बना रहे हैं, तो जब चाशनी वाले लड्डू बनाते हैं तो चीनी बराबर मात्रा में लेनी होती है। अगर आधा किलो सूजी है तो आधा किलो चीनी इसमें लगती है। अभी हम इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे और एक तार वाली चाशनी बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमारी चीनी घुल चुकी है और अच्छे से उबाल आ गया है। लगभग हमारी चाशनी बन चुकी है। मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरीके से चेक करना है चाशनी तैयार है कि नहीं है। उससे पहले हम यहाँ पे डाल रहे हैं इलायची और जायफल का पाउडर 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैंने लिया है किशमिश 50 ग्राम आधी कटोरी। आप चाहे तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू, बादाम, पिस्ता। अभी आपको मैं बताती हूँ चाशनी एक तार की बन गई है कैसे पता चलेगा। अभी इसको मुझे लगभग 4 से 5 मिनट लग गए हाई फ्लेम पे, ये टाइमिंग हो गई। और अभी आपको मैं बताती हूँ, अभी जैसे आप ऐसे लोगे पूरा इसके सारा गिराओगे, और लास्ट का जो ड्रॉप गिर रहा है देख रहे हैं आप, उसके बीच में बिल्कुल तार निकल गई है। ये देखिए ऐसे तार बनेगी तो समझ लेना ये आपकी चाशनी तैयार है। और एक तरीका है, जैसे पानी ले लिया प्लेट में और डालने के तुरंत बाद आप देख लो, वो इसमें पिघलेगा नहीं, एक जगह पे ऐसे ही बना रहेगा गाढ़ा। ये यहाँ पे है अभी भी, ये देख सकते हैं आप, ये पिघला नहीं है। तो ऐसा इसी के अंदर ये गाढ़ा ऐसे ही बना रहेगा, तो आप समझ लो ये चाशनी आपकी तैयार है। और जब हम उंगली से इसको इकट्ठा ऐसे करते हैं तो ये हमारी उंगली में लगता है। ये देखिए गांठ बन गई यहाँ पे। ऐसा हो जाए तो समझ लेना आपकी चाशनी तैयार है। अभी मैंने गैस को ऑफ किया है, अभी ये हमने जो सूजी भुनी थी वो इसके अंदर डालेंगे। मेरा गैस अभी बंद है,
इसमें करीब 25 से 30 लड्डू बनते हैं। अगर बड़े साइज़ में बनाओगे तो 25 बन जाएंगे, छोटे मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 30 के आसपास बन जाएंगे। ये देखिए, अभी इसको हमने अच्छे से मिक्स किया है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए अभी इसमें क्या होगा, हम इसको ढक के रखेंगे। ढक के रखने से सूजी और फूलेगी अच्छे से, लड्डू भी बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अभी लगभग इसको 1 से 1.5 घंटा लग जाए। तो अभी इसको मैं ढक के रख रही हूँ, अभी हम चेक कर लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। ये देखिए बीच में मैंने एक दो बार इसको हिलाया था। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार होना चाहिए। अभी हम लड्डू बनाते हैं। हाँ, ये देख सकते हैं आप, साइज ज़रा छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। जैसे मैंने बताया उसी हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए इतने आसानी से और कितने अच्छे से बन रहे लड्डू। जब भी आप लड्डू बनाते हो तो कुछ बातों का आप ध्यान रखो, जैसे चाहे जितनी सूजी उतनी चीनी होनी चाहिए, और जब आप चाशनी बनाते हो तो 1 ग्लास से ज़्यादा पानी मत डालिए, नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग जाता है चाशनी बनने में। आप जब चाशनी बनाते हो तो आप चाशनी को चेक करने का जैसे मैंने तरीका बताया, उस तरीके से आप बार बार चेक करते रहो ताकि वो फिर आगे ना जाए। और बहुत अच्छे और बहुत स्वाद लड्डू बनते हैं ये। आप इनको बना के 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो। ये देखिए कितने अच्छे बन रहे लड्डू हमारे। अभी पूरे लड्डू में इसी तरह बना के आपको फिर दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे सूजी के लड्डू तैयार हो चुके हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसी भी हो आप रख दीजिए। सारी ट्रिक्स के साथ बनाएंगे तो आपके भी लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। और कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए कि आपके सूजी के लड्डू कैसे बने, और आप अगली रेसिपी कौन से देखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं जितनी जल्दी हो सके पूरी कोशिश करूँगी वो रेसिपी पोस्ट करने की। लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें, ऐसी ही नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।